अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू गन्स ऑनर पी के। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और इस मोहलिक बीमारी कोरोना वायरस से सब महफूज होंगे। जैसा कि आपको पता चल गया होगा आज की वीडियो के बारे में टाइटल से ही, कि आज का हमारा जो वीडियो है वो है लोकल गोली के बारे में। मोस्ट ऑफ द टाइम 2 to 3 T4 9 mm की दो तरह की क्वालिटी हैं, एक अच्छी वाली और एक से थोड़ी सी लो, मतलब बहुत ही बुरी नहीं है, और इम्पोर्टेड इस साइड पर पड़ी हुई 9 mm 34 और 223। आज मैं आपको बताऊंगा कि लोकल गोली में सबसे अच्छी गोली कौन सी होती है, जिसको आप प्रैक्टिस वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, और आपको ये क्यों यूज़ करनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि इम्पोर्टेड गोली की पहचान क्या है और इसका कितने की गोली है, और ये कब यूज़ करनी चाहिए और ये कब यूज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं शुरू करता हूँ लोकल गोली से। ये लोकल गोली है 9 mm की, ये दो, ये 34 की, ये 223 की, ठीक है। ये लोकल गोली बॉर्डर के नाम से है, ये बॉर्डर के नाम से है, ये किनोच की गोली है, ठीक है, ये किनोच की लोकल गोली है। फ्रेंड्स, ये फाइटर के नाम से है, ये भी लोकल गोली है, और फ्रेंड्स ये है 223 की रीफिल गोली, ठीक है। जो फायर होते हैं इधर दरा में या पेशावर में, उसका होल लेके उसको आगे से सिक्का दोबारा बना के उसको दोबारा से ये पीछे प्राइमर लगा के तो वो दोबारा बेच देते हैं, ये भी लोकल ही है, लेकिन इसका जो होल है वो ओरिजिनल है। तो ये हैं लोकल गोलियां। इसकी मैं अब आपको थोड़ी सी बताता हूँ प्राइस वगैरह, कौन सी किसने बनाई है और क्या प्राइस है, और चलने में कैसी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आते हैं, ये देखिए, ये फ्रेंड्स है बॉर्डर की गोली, ये तकरीबन 1500 रुपये का डब्बा है 50 गोलियों का, 30 रुपये की एक गोली पड़ती है, ठीक है। और इसका जो होल है फ्रेंड्स, ये होल ये भी इधर ही बना है, पाकिस्तान में ही बना है, इसका सिक्का पाकिस्तान में अगला बना है, इसका बारूद जो है वो भी इधर ही बना है, ठीक है। ये कंप्लीट इधर की बनी हुई है, तो ये बॉर्डर की है, ये है किनोच फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसका जो पीछे वाला होल है ना, ये इम्पोर्टेड है, ये बाहर से इम्पोर्ट हुआ हुआ है, ठीक है। इसका सिक्का यहाँ बना हुआ है और इसका बारूद यहाँ पे है, और इसका प्राइमर भी इम्पोर्टेड लगा हुआ है, प्राइमर इसका इम्पोर्टेड है और इसका होल इम्पोर्टेड है, इसलिए ये 2200 का डब्बा है, तकरीबन 40-45 रुपए की एक गोली पड़ती है, ये किनोच के नाम से है, ठीक है फ्रेंड्स। ये अब 34 की लोकल गोली है फ्रेंड्स, ठीक है, ये फाइटर के नाम से है, ठीक है। ये 34 में लोकल में सबसे बेस्ट गोली है, इसका प्राइमर चेक कर लें, बिल्कुल अपने इंटैक्ट जगह पे बैठा हुआ है, इसका होल, ये सारी की सारी पाकिस्तान में ही बनी है, ये किनोच कंपनी की ही गोली है, ठीक है। फाइटर ही किनोच बनाता है, और वो फाइटर वही कारखाना फाइटर भी बनाता है। ये फ्रेंड्स 1500 रुपये का डब्बा है, 30 रुपये की एक गोली है, लेकिन ये बहुत अच्छी गोली है, मिस नहीं करती, फेलियर टू फीड, फेलियर टू इजेक्ट नहीं आता बिल्कुल। और ये वाली गोली जो है फ्रेंड्स, ये 223 की गोली है, M4 की, 5.56 mm की, 223 हरफियाम में जिसको 223 कहते हैं। इसको जब वो फायर कर लेते हैं तो ये खोखा उठा के वो दोबारा भेज देते हैं वहाँ पे, जो बच्चे होते हैं मैंने वहाँ पे देखा है, बहुत 10 रुपये का खोखा बिक जाता है, वो वहाँ पे इसका सिक्का दोबारा बना के इसके अंदर बारूद डाल के प्राइमर लगा के दोबारा से वो गोली बना देते हैं। फ्रेंड्स, ये गोली है तकरीबन 35 से 40 रुपये की, ठीक है, लोकल मतलब लोकल सिक्के में इम्पोर्टेड गोली, इम्पोर्टेड होल और बारूद उसका अंदर से मिक्स हुआ हुआ होता है, कुछ इम्पोर्टेड है और कुछ जो है वो लोकल बारूद है।
अब ये जितनी भी गोलियां हैं फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस के लिए हैं। मतलब आप निशाना जब अपना करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो निशाना अपना बेस्ट करने के लिए उसको ये गोली मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि सस्ती है फ्रेंड्स। अब देखें, 30 रुपए की गोली, 40 रुपए की गोली, 30 रुपए की गोली, 40-45 रुपए की गोली समझ आती है। अगर आप 100 फायर करो तो वो 4,045 रुपये, 4,500 रुपये का मतलब होता है। तो आप, एक तो प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, और आपको सेल्फ डिफेंस का तो लेवल है ही नहीं। मतलब आपका कि अगर मिस हो भी गई तो आप इजीली उसको कर सकते हैं दोबारा से। मतलब उसका जो मेलफेक्शन है वो क्लियर करके दोबारा से आप आ सकते हैं, और इस तरह आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है कि ये मेलफेक्शन हुआ है और मैंने इसको जल्दी से ठीक कर लिया है। मतलब इतना कोई है नहीं, उस सिचुएशन में नहीं है आपके, आपकी जान पे बनी हुई है, और आपकी गोली जो एक है वो आपकी जान पे इतनी बनी भी नहीं होती कि आपको, मतलब ओरिजिनल गोली है और आप मिस हो गए तो आपकी जान को ख़तरा है। प्रैक्टिस ही है, आप करें उसको मेल फंक्शन क्लियर करके दोबारा से आप चले जाएं, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसका जो जैम है वो क्लियर करने की, दूसरा गोली भी सस्ती है। तो इट्स गुड, गुड फॉर प्रैक्टिस, गुड फॉर यू नो वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, ये होगी लोकल गोली। अब आते हैं इम्पोर्टेड गोली की तरफ। फ्रेंड्स, ये है 9mm की इम्पोर्टेड गोलियाँ, चाइनीज़ 311। इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ये मैं इसको थोड़ा सा इस पर कर रहा हूँ, इसके प्राइमर पे करने की फोकस करने को। ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा है ये 311 लिखा हुआ है, 311, 9mm 311। तो ये चाइनीज़ गोली है जिसको 9mm की 311, मतलब इसकी एक मार्क होता है जो इसकी निशानी है 311, और इसकी गोली भी, अब आजकल लोकल भी 311 बनती हैं, लेकिन ये ओरिजिनल 311 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है SNB की बुलेट। ठीक है, SNB की 9mm की बुलेट है, और फ्रेंड्स ये तकरीबन 220 रुपये का एक बुलेट है, 220 रुपये का। ये बहुत अच्छी बुलेट है, सेल्फ डिफेंस के लिए बेस्ट है। और ये वाली गोली जो है ये 200 रुपये की एक है, ये भी सेल्फ डिफेंस के लिए बेस्ट है। फ्रेंड्स ये जो आ गई, अब ये 30 बोर की गोली आ गई, ये है फ्रेंड्स, बहुत पुरानी गोलियां हैं, ये है 311 की। ठीक है, 311 की बहुत ही ओल्ड गोली है, 311 की, ये भी चाइनीज़ है, ये भी तकरीबन 200-220 रुपये का एक दाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे, अब इसको चेक करें, ये है ओरिजिनल बुलेट। ठीक है, नेटो की। ठीक है, ये है 90 से 95-100 रुपये के दरमियान का एक ताना इसका। प्राइमर आप चेक करें, ये WMA की गोली है, ये भी 223 बोर, 5.56 mm, 90 से 100 रुपये का एक है। इस तरह की ये इसमें आती है बॉक्स में, 30 का होता है एक बॉक्स, जो एक एक मैगजीन बनती है। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए मैं हमेशा यही रिकमेंड करूंगा कि सबसे अच्छी जो गोली है, सबसे बेस्ट गोली है, मैं चाइनीज़ भी प्रेफर नहीं करूंगा, SNB पे जाएं आप, नेटो की बुलेट पे जाएं, चाइना में सर्बिया PPU की बुलेट इस्तेमाल करें, रशियन बुलेट इस्तेमाल करें, सबसे बेस्ट, क्योंकि ये आपको एक ही दफ़ा अपने सेल्फ डिफेंस के लिए चलानी पड़ती है फ्रेंड्स। मतलब आपको ज़िंदगी में क्या पता एक ही दफ़ा मौका मिले, और उस वक्त अगर आपके पास अच्छी बुलेट ना हो तो अगला तो आपकी जान ले जाएगा। इसलिए सेल्फ डिफेंस के लिए हमेशा सबसे महंगी बुलेट रखें, जो कि आपकी जान और माल की हिफाजत करे। प्रैक्टिस के लिए आप लोकल बुलेट हमेशा इस्तेमाल करें, लोकल बुलेट, इसका कोई इतना वो नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।